अगर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करेंगे तो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठाकुर जी क्यों जो प्रेमिक भक्त होते हैं उनको इतना दुख क्यों देते हैं। अश्यानुभाव वेद गुह्यतमम शिवम नारद वो कपिल मुनि, तीन आदमी को श्री पता है। ठाकुर जी का लीला का जो रहस्य है इस संसार में तीन आदमी को पता है। कल हम सुन रहे थे देवर्षि नारद सख्यत भगवान कपिल मुनि, भगवान कपिल देव को पता है। अश्या अनुभावम न तो चिकित्सितम, क्या करने की इच्छा कर रहे किसको पता है। लीला का जो रहस्य है क्यों नामबंधन लीला हुआ, क्यों विश्वरूप दर्शन कराए, क्यों गोवर्धन धारण किए, ये लीला का जो अनुभव का मतलब ठाकुर जी का लीला का जो रहस्य है। देवर्षि नारद और भगवान कपिल और कौन शिव जी, ये तीनों को पता है। ये तीनों ही महाजन में है, देख लीजिए ये भी महाजन है, पितामह भीष्म भी महाजन है और वो रेफर कर रहे हैं दूसरे एक महाजन को, ये महाजन है और तीनों महाजन का नाम ले रहे हैं। अश्यानुभाव वेद गुह्यतमम शिवम, हम लोग को ठाकुर जी का लीला का जो रहस्य है थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा पता है। गुह्यतमम बिल्कुल जो अंतरंग रहस्य है, ठाकुर जी क्यों ऐसा लीला कर रहे हैं, वस्त्र हरण क्यों किए, रासलीला क्यों किए, गोवर्धन धारण क्यों किए, जो अंतरंग कारण है तीनों को पता है, तीनों महाजन है। महाजन जेन गता सपन्था, महाजन लोग जो बोले है ना भाई वो पैसा से महाजन नहीं है, पैसा से महाजन नहीं है, गांव में बोलते हैं ना ये महाजन हो गया, पैसा से, बल से महाजन नहीं है, ज्ञान से महाजन नहीं है, इतना समर्पित आत्मा है, प्रेम उनका पास है, महाजन है। नारद कपिल देव और शिव इनको पता है, और किसको पता नहीं है। ठाकुर जी क्यों उनका जो अंतरंग भक्त होते हैं उनको क्यों दुख देते हैं, या ठाकुर जी का इच्छा क्या है किसको पता नहीं, हम लोग भी पता नहीं। कारण नहीं ढूंढना चाहिए मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हम लोग बाबा जी बन गए हैं ना इसका कारण ढूंढेंगे, मैं क्यों साधु बना, क्यों बने आप, कभी कभी सोचते हैं मेरा डिसीशन गलत हो गया, कि तुम डिसीशन लिए हो, तुम्हारा डिसीशन गलत हो गया, नहीं कारण, कारण क्या है ढूंढने से बाद में एक चीज आता है, कारण का क्या है, सर्व कारण कारणम कृष्ण। जब आप कुछ डिसीजन लेते हैं ना तो ज्ञान किसी से आता है, सोच लीजिए जब कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, मत स्मृति ज्ञान अपानंच, वो ऐसे बुद्धि देते हैं, सबका कारण हम नहीं है, जीवन में जो कुछ होता है ना इसका कारण ठाकुर जी है, इसको समझना चाहिए तब तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में एक चीज है, क्या है वो, क्या है हमारे हाथ में, महाजन आचार्य लोग जो बोले हैं ना इसको अनुसरण करना है, इतना हमारे हाथ में, उनका पथ पर चलना है। हमारा भजन क्यों नहीं हो रहा है, सही बात बताएंगे तो बुरा मत माने, हम बहुत चालाक आदमी हो गए हैं बहुत चतुर हो गए, बुद्धिमान हो गए, ये बुद्धिमान है ना, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं नहीं महाजन जैन गता सपन था, सबसे सेफ एंड सिक्योर सुरक्षित पथ है, आचार्य लोग जो बोले है ना, महाजन जो बोले ना वही पथ पर चलो। मैं तो बोलता हूं कब कहां जाता हूं ना, ये बोलता हूं इधर आंख वाले ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना, आंख वाले जो है ना जिसका आंख है वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, अंधे इधर टिकेंगे। आपको क्या होना है, अंधे बनना है या आंख वाला होना है, हाँ बोलो, आंख वाले चलिए, नहीं ना अंधा होना है, अंधा क्या बोलता है,
कभी देखे अंधे, अंधे क्या बोलता है कहां है रास्ता, वो बोल देता है राइट साइड चलो, वो चलता है, वो नहीं पूछता है क्यों राइट साइड जाऊंगा। अंधा कभी क्यों नहीं बोलता है, हां बोलता है। अंधा कभी नहीं बोलता है क्यों, व्हाई नहीं बोलता है, यस बोलता है। ये हम लोग का जो प्रोसीजर है महाजन लोग को फॉलो करने के लिए, हमको यस मैन बोलना चाहिए, यस मैन, हम यस मैन हो गए, यस 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 यस, हां जी हां जी हां जी। ऑफिस में जब काम करते आप क्या बोलते थे, व्हाई बोलेंगे ऑफिस में, व्हाई नहीं, यस यस। इधर आ जाता है व्हाई, क्यों नहीं, नहीं ये आंख वाल का काम है, आंखों वाला का काम है, ये हमारे हम अंधे जैसे। गुरुजी बोले हैं नाम कर रहे हैं, महाजन लोग बोले हैं ना कर रहे हैं, क्यों इसका कारण है, ये युधिष्ठिर महाराज से ढूंढ रहे हैं ना, इसका कारण क्या है, हमको क्यों दुख मिला। ठाकुर जी की इच्छा सब कुछ हुआ है, हो रहा है, होगा, हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हो गया है, जो कुछ हो चुका है वो सब ठाकुर जी की इच्छा से, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं। सोचने से जो जितना सोचता है ना ढूंढता, इसका कारण क्या है, कारण क्या है, बाद में वो कारण क्या होगा, इसका कारण वो सोचेगा कि स्ट्रेस मेरा कारण है, रिजल्ट मिलेगा स्ट्रेस, किस क्या बोलते हो अभी टेंशन। लोग कारण ढूंढते 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 बाद में उनको रिजल्ट एक चीज मिलता है, क्या कारण तो कुछ नहीं मिलता है, कारण होता है टेंशन, बस यही कारण है। तो बहुत सरल भावना से हमको जीना है, भावना कृष्ण चेतना जो है ना बहुत सरल है। चलो हर दिन हमको प्रे करना है, हर दिन हमको प्रार्थना करना है, गुरु जी को ठाकुर जी को प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरे लिए क्या योजना है, मुझे सेवा में लगाइए, मैं आपका दास हूं। सरल है, हर समय ढूंढना नहीं चाहिए इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ही दुख का कारण होता है, सबका कारण ही दुख का कारण होता है। हम ढूंढते हैं ना, ढूंढते हैं ये 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 शादी इसका कारण है, ये शादी इसका कारण, इसमें मेरा दुख जाएगा, इसमें मेरा प्लान सक्सेस होगा, नहीं ये दुख का कारण। चलो पहले चलो आगे चलो। फिर युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे ये सबका कारण है, लेकिन हमारा जैसे हमारे साथ जैसे व्यवहार कर रहे थे उनको पता नहीं चलता कि भगवान है, किसी को कभी पता नहीं चलता है, भगवान पीछे रहते हैं ना, सब कुछ करते हैं, नाच नचाते हैं, पता पता चलता है, पता नहीं चलता। यंग मन्यते मातुलेयम प्रिय मित्र श्रुतमम अकरोत् सचिवदोतम श्रुदात अथ सारथिम। हे राजन तुमने अज्ञात बस ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, सुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। महाभारत खत्म हो गया ना, हो गया ना, अंतिम हो गया महाभारत, सब लोग मर गए, और तीन अश्वमेध यज्ञ ने किया, अब तक तो किसको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, पता था अर्जुन को, पता था ठाकुर जी ने विश्व दर्शन कराए, उसके बाद फिर भी अर्जुन को पता नहीं रहा कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान जोग माया में आवृत होकर रहते। और हम सोचते हैं कि भगवान का प्लान क्या है, योजना क्या है, हम तो महामाया में है, भगवान के पास जो खड़े हो तो पास में रहते हैं, कौन अर्जुन पास में थे ना, पांडव लोग पास में थे, उनको पता नहीं चल रहा था, और हम महामाया में है नहीं, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा ज्ञान, हम बोलते हैं ना मैं ज्ञानी आदमी हूं, हमारा ज्ञान में भी माया है, समझ रहे ना आप, ज्ञान में कैसे माया है, हमारा ज्ञान में माया कैसा है पता नहीं भाई, अगर हमारा ज्ञान में माया नहीं है, हमारा भजन क्यों नहीं हो रहा है, हमको पता है, प्रीचिंग कर देते हैं, उपदेश दे देते हैं, करते नहीं क्यों, खुद बोल देते हैं ना भाई करो, नाम से बड़ा कोई नहीं है,
नाम से बड़ा कोई, हम बोल देते हैं नाम से बड़ा कोई नहीं, लेकिन हमारा नाम नहीं हो रहा है। ये जो ज्ञान है इसमें माया भी है। महामाया में अभी तक हम लोग हैं। जब तक ठाकुर गुरु जी का सेवा समर्पित हम नहीं होंगे, कभी माया, माया का मतलब यही होता है, माया का एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत डेफिनेशन है। एक आइडिया, खुद का एक आइडिया रहता है ना, इसी से मेरा भजन हो जाएगा, इसमें मेरा भक्ति हो जाएगा। ये जो स्वतंत्र बुद्धि, ये भी माया है, सबसे बड़ा माया यही है। अगर सोच लेंगे साधु के लिए सबसे बड़ा माया क्या है, गुरु जी का उपदेश को भूल जाना, महाजन लोग का उपदेश को विस्मरण होना, और खुद का आइडिया बिल्कुल प्रबल बना लेना। ये जो मेरा आइडिया है, आइडिया क्या बोलते हैं हिंदी में, योजना, विचार, मेरा ये जो विचार है ये सही है, ये सबसे बड़ा माया है। मेरा विचार, हमारा कुछ विचार नहीं है। हमारा विचार का मतलब होता है स्वतंत्र हो गए हम, ये भी माया है। हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम माया मुक्त पुरुष है, नहीं, माया मुक्त पुरुष हम नहीं है। अगर हम माया मुक्त पुरुष तो भजन क्यों नहीं हो रहा है। हम कितना परसेंट कृष्ण कॉन्शियस है आप देख लीजिए, ये कमरा बंद कर दीजिए, कमरा इधर तो नहीं पता चलेगा। प्रीचिंग में पता नहीं चलता है, प्रचार में पता नहीं चलता है आप कितना गहराई में है। प्रीचिंग कर देते तो कर देते हैं, तो अकेला बैठ जाओ ये कमरा में और हरे कृष्ण भजन करो, और खुद का मन कहां रहता है, क्या चिंता करता, तब तो पता चलेगा मैं कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस हूं। माया हमको छोड़ा नहीं अब तक, बाह्य रूप से छोड़ दिया है, बाह्य तो छोड़ दिया है, भीतर पकड़ लिया है, खुद का चिंता होता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। भजन का साथ सेवा चलता है, ये कृपा जब आता है ना, ठाकुर जी गुरु जी से कृपा आता है तब तो छोड़ता है माया, नहीं माया इतने जल्दी नहीं छोड़ती, ये नहीं छोड़ती। बुद्धि का, बुद्धि होता है ना, बुद्धि आप देखें एयरपोर्ट में जो पानी मिलता है सब, देखिए ना अभी, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाइए, इधर नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाइए, उधर देखेंगे दिल्ली बंबई वगैरह में जो बड़ा बड़ा एयरपोर्ट में पानी, कितना वेराइटी का पानी होता है उसमें लिखा होता है, ये क्या बोले, हाँ ये इसमें इतना परसेंट ये है, उतना इतने। मेरे पास एक बार पानी नहीं था, मेरा बोतल नहीं था, उस समय एयरपोर्ट में टैप वगैरह नहीं थे, मैं चले गए, मैं पूछने लगे ये पानी बोतल कितना है, ढाई हजार रुपया बोला, हाफ लीटर पानी। मैं बोला भाई मेरा इतना पैसा भी नहीं है, मैं कुछ नहीं बोला, वापस चले आए। बात मेरा सोचने लगा, ये पानी में क्या है, क्या सोना है क्या पानी में, तो इतना पैसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये इधर से आया है, उधर से एक्सपोर्ट होकर आया है, इसमें ये पानी है, इसमें देखो वो पानी है, पांच रुपया में पानी मिलता है, नाला में भी पानी मिलता है, दस रुपया में पानी मिलता है, लोग उनको इतना प्रोसेसिंग किया है ना, उसका पानी का दाम 500 रुपया है, 2000 रुपया है, 2500 रुपया है, समझ रहे ना। वही ज्ञान है, हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, हम प्रीचिंग कर रहे हैं, कितना पैसा की, 5 रुपए की, अभी 5 रुपए की पानी हम दे रहे हैं, 10 रुपए की पानी आपको दे रहे हैं। और जब महात्मा लोग बोलते ना, माया मुक्त पुरुष बोलते ना, फिल्टर वाटर हो जाता है, फिल्टर में नहीं, कितना प्रोसेसिंग में होता है, वही हरे कृष्ण। आज इसकन में हम कितना प्रीचर लोग है, तो शरीर आत्मा के संबंध में बोलते कि नहीं, प्रभुपाद जी का टेप लगा लीजिए, मैं कल भूल गया, प्रभुपाद जी वही बोल रहे थे, डिसाइबल लोग बोलते नहीं नहीं रूपा जी फूल्स नहीं बोल, मैड नहीं बोलना चाहिए, फूल्स बोलना चाहिए। रूपा जी बोले सम ऑफ मैडनेस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल स्टुपिडिटी। ये सब गेस्ट लोग बैठे थे और वो बोल रहे कि नहीं नहीं रूपा जी मैड मैड मत बोलिए, फूल्स बोलिए, क्योंकि मैड सुनते हैं ना विदेशी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं मैड मैड प्रभुपाद बोलते, दे आर मैड मैन्स, दे आर मैड मैन्स, कंप्रोमाइज कुछ नहीं करते, फिल्टर वाटर है, फिल्टर वाटर है। 5000 रुपया के वो है, हाफ लीटर है, 5000 रुपये की है, हम तो 5 रुपया का पानी देते हैं ना, बुला कर देते हैं भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी लो पानी लो, क्या करे, हम लोग का स्टैंडर्ड यही है, माया मुक्त पुरुष नहीं है।
प्रभुपाद जी बोले मैडनेस इज, क्या मैं बोल रहा था, सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल स्टुपिडिटी। इतना जोर से बोले, वो लोग भी हंसने लगे जो गेस्ट थे, वो भी हंसने लगे। वो फिल्टर वाटर है, माया मुक्त पुरुष होते हैं। आपको कैसे पता चला वो माया मुक्त पुरुष है? कहते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, वो माया मुक्त पुरुष है जो सुनते हैं ना वो भीतर जाता है। हमारा जो माया मुक्त नहीं है ना वो मन तक जाता है। हम जो प्रचार करते हैं ना आपका मन के लिए, मन कन्विंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। एट बेस्ट वी कैन टच देयर माइंड, मन को पकड़ सकते हैं, और थोड़ा ऊंचा है ना बुद्धि को पकड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा स्तर तक जाना, भीतर घुसना, ये तो महात्मा लोग की काम है, माया मुक्त पुरुष की काम है। देखो जैसे नारद मुनि बोल दिया ध्रुव महाराज को, जाओ वन में जाओ तप करो, ये मंत्र ले जाओ। वो कोई प्रश्न किए करने के लिए कितना टाइम लगा उनको? माया मुक्त पुरुष जो होते हैं ना, महाजन होते हैं, वो सिर्फ उपदेश नहीं देते, उपदेश का साथ कृपा बल देते हैं। समझ रहे हैं ना? उपदेश देते हैं और कृपा बल देते हैं, दो चीज। इसीलिए हम गुरु जी का बात मानते हैं। गुरु जी सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये उपदेश को पालन करने के लिए अगर हमारा गुरु बुद्धि है, हमारा गुरु बुद्धि है, ये गुरु जी है, ये साक्षात हरि है, सिर्फ इतना योग्यता हम लोग का चाहिए। शिष्य का एक योग्यता चाहिए, साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र किंतु प्रभु जी, ये इसको याद रखना है, शिष्य का यही योग्यता है। ऐसे क्या मिलता है? उपदेश जो मिलता है ना, और उपदेश के साथ गुरु जी का बल भी मिलता है। गुरु जी से उपदेश नहीं, ज्ञानी लोग भी उपदेश दे देते हैं, है ना? मुझे तो पता नहीं आपका देश में है कि नहीं, उड़िया में है, बंगाल में है, लीला कीर्तन बंगाल में जैसा लीला कीर्तन है, उड़िया में पाला ऐसा होता है। वो बोलते हैं हरिभजन करो, संसार में कुछ नहीं है, बहुत उपदेश देते हैं ना। ये उपदेश खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, और जो सुनने वाले वो भी, उनका भी पालन नहीं होता है, कोई पालन नहीं करते। लेकिन आचार्य लोग जब बोलते हैं ना, ऐसा नहीं, गुरु जी जो बोलते हैं ना, ये अलग चीज है, कृपा बल है, उपदेश के साथ कृपा का बल है। लेकिन हमारा दृष्टि एक रहना चाहिए, कौन बोल रहे हैं? साक्षात हरि बोल रहे हैं। गुरु बोलेंगे तो ये अलग हो जाता है, उस समय गुरु नहीं बोलना चाहिए, गुरुदेव बोल रहे हैं, नहीं साक्षात हरि ही बोल रहे हैं। भागवत में प्रसंग सप्तम स्कंद में है ना, उस वर्ष है, हस्ती स्नान जैसे हो जाएगा, उसका जितना ज्ञान है, जितना बुद्धि, सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, प्रारंभ क्या है भूल जाता हूं। जस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदय गुरु, साक्षात भगवती ही। आप सोच रहे हमारे आचार्य लोग सेंटिमेंट हैं, सेंटिमेंट होकर लिखे हैं, साक्षात हरित्व न समस्त, भागवत सिद्धांत है ना। यस्य साक्षात भगवती ही, साक्षात भगवान बोल रहे हैं। गुरु जी कौन बोल रहे हैं? साक्षात भगवान बोल रहे हैं। ये दृष्टि शिष्य का हो जाता है ना, तब दो चीज मिलता है उनको, क्या मिलता है? दिशा मिल गया ना, गुरुदेव उपदेश दे दिए तुम इस दिशा में चलो, फिर उपदेश को पालन करने के लिए बल भी मिल जाता है। हम गुरु मान लेते हैं लेकिन उपदेश को पालन करने के लिए हमारे पास बल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। डिटर्मिनेशन पावर नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? कमी है, यही कमी है। साक्षात हरी हरी बोल रहे हैं, प्रमाण देना चाहिए, साक्षात हरी है, शास्त्र में है, भागवत में है। जस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदय गुरु तस्य श्रुत, उनका जितना श्रवण किए हैं, जितना ज्ञान उनका पास है ना, अगर उनको मर्त्य बुद्धि करता है, मर्त्य बुद्धि क्या है? गुरु जी को मर्त्य बुद्धि क्या है? सामान्य मनुष्य को कभी हम ही प्राधान्य, आजकल क्या होता है, सामान्य जैसा मोदी बोलता है, आप क्या इसको बोलते हैं? अभी देखो मोदी को सामान्य आदमी कोई बोलता है? बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं लोग बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं ना, ये परफेक्ट है।
भाई सामान्य आदमी नहीं, हम सबसे बड़ा गलती हम लोग का है कि हमारा बुद्धि से हर समय गुरुजी जो बोल रहे हैं ना, मेजरिंग स्केल का क्या बोले, मापदंड, हमारा बुद्धि को मापदंड मेजरिंग रड बना लिया, हम गुरुजी को माप रहे हैं। गुरुजी ऐसा क्यों किए? जैसे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर नहीं शायद कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जो ठाकुर जी है उनको कभी बर्डन नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी इसका ऊपर बोल रहे थे, तो मैं जब चला जाऊंगा, गुरु जी चले गए तो डिसाइपल लोग बोलते ये नॉनसेंस गुरु, प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं, ये नॉनसेंस गुरु इतना ठाकुर जी प्रतिष्ठा किए हैं, प्रभुपाद जी इसी वर्ड में बोल रहे हैं, ये हमारा ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, प्रभुपाद जी लिखे हैं, इस मापदंड है। गुरु जी क्यों किए, इतना क्या जरूरत है, ये तो हो गया, मापदंड हो गया, सक्याधारी कैसे बने? इसीलिए तो उपदेश हम पालन करने का शक्ति हम लोग का नहीं है, एक ज्ञान से मान लेते हैं क्या करना है, मैं तो भक्त बना हूं गुरुजी, समझ रहे हैं ना, बाहर से मानते हैं भीतर से मापते हैं, समझ रहे हैं ना, कैसे मापते हैं पता है, एक आचरण लिखे हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट हम जाते हैं ना, बैगन कितना है, क्या बोलते हैं हिंदी में, बैगन बोलते हैं, हाँ बैगन कितना है, आलू कितना है, कितना बस बार्गेनिंग कर रहे हैं, 10 रुपया, भाई 5 रुपया लो, वो 8, वो 4 रुपया बोल रहे, तुम किम 10 रुपया बोल रहे हो, झूठा बोलते हैं कि नहीं, झूठा बोलते हैं। और वो जब मापता है ना, उस स्केल को कैसे देखते हैं हम, स्केल को ऐसे देखते हैं कि स्केल गलत है, मैं ही सही हूं आदमी हूं, स्केल का ऊपर डाउट भी रहता है, आदमी का ऊपर डाउट है, स्केल का ऊपर डाउट है, इसमें हम सोचते हैं कि मैं परफेक्ट आदमी हूं, हमारा बुद्धि ऐसी अभी ऐसा है भक्ति में, इसीलिए गुरु जी का श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म ये नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है अब तक, मापते हैं हर समय बुद्धि लगाते हैं, बाहर से उपासना चल रहा है, समझ रहे ना, सबसे बड़ा कपटता यही है, बाह्य से उपासना कर रहे हैं, गुरु जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, व्यास पूजा बना रहे हैं, तिरुभाव बना रहे हैं, भीतर से माप रहे हैं, इससे बड़ा डुप्लीशियसनेस, इससे बड़ा कपटता और संसार में कुछ नहीं, यही इसी को ही बोलते हैं फॉल डाउन कंडीशन, पतित अवस्था यही होता है, पतित अलग है, समझ रहे हैं ना, कपट अलग, कोई पतित हो जाएंगे उसका कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो सिंसियर है, गुरु जी को मरते बुद्धि नहीं कर रहे हैं, जितना उनका ताकत है वो कर रहे हैं, उनको गुरु जी उद्धार करेंगे, वो नरक जाएगा तो गुरु जी उद्धार करेंगे, लेकिन जो कपटी है बहुत आगे बढ़ गया, लोक दृष्टि से बहुत आगे हैं, लेकिन वो गिरेगा, ये गिर जाता है, इसलिए डिबू अभी मैं जहां भी जाता हूं ना, डिबूटी लोग प्रश्न करते हैं, महाराज वो इतना सेवा कर रहे थे, वो ऐसा सिंसियर थे, वो क्यों छोड़ दिए, भाई छोड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या कर रहे थे, जय श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, वो क्या कर रहे थे, सेवा तो कर रहे थे, लेकिन मानसिक प्रवणता क्या था, ये बड़ा चीज है, हमारा मानसिक स्थिति कैसा रहता है, इसको ठाकुर जी पकड़ लेते हैं, आचार्य लोग गुरुजी लोग साधु लोग से ये अगर ये एक पॉइंट मिस हो जाता है ना, सख्यात हरि तो गया। अब हाथी बोलते हैं ना, एलिफेंट जो हाथी होता है ना, हाथी दलदल में फंस जाता है, कैसे होता है, एक पैर जब वो ऊपर लगता है ना, तब उनको क्या लगता है, क्या लगता है, मैं ऊपर चला आऊंगा, नहीं, एक पैर ऊपर लाता है, 3 पैर भीतर जाता है, हम लोग का हालत ऐसा ही, ये सेंटिमेंट ये सही चीज है, हम सोचते हैं मेरा ऐसे ऐसे में मेरा वजन हो जाएगा, यही सही उपाय है, ये मुझे दिखाई देता है,
एक पैर तुम ऊपर उठा तो हो, तीन पैर दब गया है कि ये दलदल है। अंतर में जब ये भावना जाता है ना साधु गुरु आचार्य लोगों के प्रति, ये दलदल में फंसना जैसा है। ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेजरिंग स्केल हो जाता है बुद्धि। माप बैठते हैं, क्यों ऐसे किए, क्यों ऐसे किए, क्यों ऐसे किए, क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, ये साक्षाधारी है, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ये दलदल जैसा है, फंस जाएंगे भीतर 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 कहां चला जाता है ना। इसका बाद विद्रोह मनोभाव होता, विद्रोह बोलते ना हिंदी में, विद्रोह मनोभाव होता है, ये रिवर्सनल लाठीचूट हो जाता है। कोई रिवर्सनल लाठीचूट, ये पहला इसका बीज कहां है? रिवर्सनल एटीट्यूड जो होता है ना, कहां? अब नहीं देखे हैं जैसे बीजेपी लोग, जो नेता लोग है ना दल में रहते हैं, और थोड़ा कुछ हो गया उनका इतना एटीट्यूड बदल जाता है, वो अलग एक दल बनाता है, समझ रहे हैं ना। हम तो ऐसे नहीं बना सकते हैं। हम झंडा उड़ाते हैं कि मैं वैष्णव हूं, मैं गुरु जी का हूं, मैं प्रभुपाद का हूं, लेकिन भीतर क्या है? रिवर्सनल एटीट्यूड है, मैं अकेला। इसका मूल बीज इधर ही है, समझते नहीं है। ये पथ कैसा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, ये फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन का चीज होता है, समझ रहे ना। हमको थर्ड डायमेंशन पता है। ये स्पिरिचुअल जो पथ है ना, ये फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन की चीज है। तो हमारा बुद्धि कितना तक जा सकता है? थर्ड डायमेंशन, ये फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन की चीज होता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज का बुद्धि नहीं काम कर रहा है। आप बोल रहे हैं काल, फिर बोले दैव, अभी बोल रहे हैं यही काल है, यही दैव है कृष्ण। लेकिन कृष्ण को तो हम समझ रहे थे। ये तुमने अज्ञात वश जिसे व्यक्ति को अपना ममेरा भाई बोले थे, ममेरा भाई है। अरे भागवत में यही सिद्धांत है। लेकिन गांव का आदमी जो है ना, वो गुरुजी को मानते हैं कि ये तो हमारा गांव का आदमी है। कभी गुरुजी का भाई बोलते हैं ना, ये इधर ही था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टोरी बोलते हैं ना, क्या पंचुआ, हाँ ये सामर आदत हो गया है। वो लोग ऐसे बोलते हैं ना, गांव का आदमी है ऐसा बोलते हैं। उड़िया में कहावत है ना, लड़की अभी लड़की बन गई, बहुत सुंदरी है, गुणवत्ती है, लेकिन जो छोटी था ना, क्या बोले, नाक से बस वो यार, अभी तो बहुत बढ़ गई है, सुंदरी है, कोई शादी नहीं कर रहे उनको। क्यों? कोई बचपन की बात बोल रहे। ये जैसे बाहर दुनिया में चल रहा है ना, हम लोग का बुद्धि ऐसा हो गया है। आत्मदृष्टि जब तक नहीं होता है, परमात्मा जब तक हमको सहायता नहीं करता है ना, तो गुरु बुद्धि नहीं होता है। जब गुरु बुद्धि नहीं होता है, हमारा तो गुरु बुद्धि है, हमारा बुद्धि गुरु बुद्धि हो गया है, हम गुरु को गुरु कैसे मानेंगे? यही तो प्रॉब्लम का कारण है। माया, मैं यही बोल रहा था, हमारा ज्ञान में माया है, इस पॉइंट पर मैं आया था। कभी हम नहीं सोचना चाहिए, मैं इतना दिन भजन किया हूं, इतना सेवा किया हूं, मैं माया मुक्त पुरुष हूं। नहीं नहीं, अगर आप माया मुक्त हो गए ना, आपको ये दृष्टि आ जाएगा, साक्षाधारी, ये माया मुक्त पुरुष का लक्षण है। कृष्ण दर्शन तो अलग चीज होता है, पहले ही साक्षाधारी, ये माया मुक्त पुरुष का लक्षण है। यंग मन्यते मातुलेयम प्रियम मित्र सुहृत्तमम अक्रोत सचिवम दूतम सुहृदात अथ सारथी। पितम भीष्म बोल रहे, यार तुमको क्या पता है, तुमको कुछ पता नहीं, योग माया ढक कर रहते हैं ठाकुर जी। तुम जिस अर्जुन, तुम जिसको सारथी बनाए थे, वो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान है। उनको पता है सुख दुख का कारण क्या है, सुख दुख का कारण क्या है, उनको पता है। पूछ लीजिए, पास में पूछ लीजिए। इधर बुद्धि ज्यादा काम नहीं करता है क्या बोलते हैं, हम टायर्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं टायर्ड हो गए हूं, हिंदी में क्या बोलते हैं, थक गए। हम लोग ऐसे स्पिरिचुअली टायर्ड हो गए हैं,
होता है ना, जहां भी सहारा लेता ना, बुद्धि जहां भी सहारा लेता है, ठीक है मैं भागवत पढ़ लूंगा, भागवत पढ़ने से मेरा भजन हो जाएगा, लगाते कुछ दिन भागवत पढ़ लेते हैं, फिर सुने नहीं नाम करना है, फिर नाम कर लेते हैं कुछ दिन, नहीं मुझे सेवा करना है, ठीक है तो हम स्पिरिचुअल चीज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं है, इसीलिए जो चीज भी करते हैं ना सो काम नहीं करता, क्या नहीं है, तो भागवत पढ़ना है, भागवत सुनना है, इसे गुरु से क्या संबंध है। जीव गोस्वामी ने संदर्भ सब लिखा है, श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन जो भी है ना सब शुद्ध भक्त को लेकर ही करना है, उनके आश्रय में करना है, स्वतंत्र से कुछ नहीं होता है। इस स्वतंत्र बुद्धि जो हमारा है ना हमको गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, समझ रहे ना, हमारा बुद्धि हमको गिरा रहे हैं, सिर्फ मन भटका रहे कि तुम बहुत बड़ा हो गए हो, बहुत बड़ा बुद्धि, मतलब जब सत्वगुण आता है ना बुद्धि में तब वो सोचता है, मैं सब आदमी बोलते हैं मैं बहुत सिंसियर डिवोटी हूं, लेकिन मैं मेरा स्थिति क्या क्या है और हालत क्या है। गुरुजी जब कृपा करते हैं ना तब ये बुद्धि आता है, सख्यात हरी, नहीं तो हमारा बुद्धि में माया है पता नहीं चलता है। इसलिए महाजन लोग जो उपदेश दिया ना बार बार इसको सुनना चाहिए, गुरु जी का वाक्यों को बार बार हम सुनना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सुशोक ठाकुर बोलते हैं वेद वाक्य क्या है, आप वेद पढ़े नहीं पढ़े, वेद वाक्य नहीं सुने क्या, वेद वाक्य है, वेद वाक्य आप नहीं सुने, देखो वेद गाय देखो कितना कितना बार पढ़े, कितना साल हो गया, अरे वेद जिस गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं, शुद्ध भक्त का गुणगान कर रहे हैं, वो जो उपदेश दें वो वेद वाक्य नहीं है। हम सोचते नहीं मैं भागवत पढ़ाई करूं, क्या भागवत पढ़ाई करना है, पहले भक्त भागवत कौन है, भागवत ऐसे प्रकट नहीं होते हैं, जब तक भक्त भागवत आप आश्रय नहीं लेते हैं ग्रंथ भागवत कभी प्रकट नहीं होते। भागवत नहीं था क्या, सब लोग क्यों बैठ गए सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनने के लिए बताइए मुझे, व्यासदेव क्यों बैठे थे, क्यों बैठे थे सुनने के लिए, उनको पता नहीं था क्या भागवत, उत्तर रचना किए थे बताइए। ग्रंथ भागवत से भक्त भागवत प्रकट, सॉरी भक्त भागवत से ग्रंथ भागवत प्रकट होते हैं, भक्त भागवत का अंतर में जो रस है भक्त भागवत से वही रस प्रकट होता है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, वेदगा है जा रहा चरित घूम फिर कर उधर आ जाएंगे, फिर आपका भीतर जो रस है ना, जो भक्त भागवत होते हैं उनका भीतर जो रस है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो स्वानुभव है, जो ममता है, भागवत में वही प्रकट होता है, ग्रंथ भागवत, भागवत का साथ भक्त भागवत का संबंध है। स्वतंत्र भागवत हम नहीं पढ़ सकते, स्वतंत्रता हमारा कुछ नहीं कर सकते, स्वतंत्र अर्चन नहीं कर सकते, स्वतंत्र नाम नहीं कर सकते, स्वतंत्र सेवा नहीं कर सकते, स्वतंत्रता को बलिदान हमारा परंपरा में, इंडिपेंडेंट जो चीज होता है ना हमारा बलिदान किया हम लोग, फेंक दो, ये तो ज्ञान है तो बुद्धि नहीं, ये काम नहीं करेगा भाई, स्वतंत्र हम नहीं है, भक्त अधीन है। आप देखिए सुने ये प्रसंग, जब स्वरूप दामोदर ने पंडित का जो श्लोक पढ़े ना सब लोग प्रशंसा करने लगे, और बार बार वो पुश कर रहे थे स्वरूप दामोदर को, आप थोड़ा दिखा है ना चैतन्य महाप्रभु जी को, भक्त लोग भी बोलने लगे देखो क्या ज्ञान है, कौन सा सही ज्ञान है और किस ज्ञान में माया है, भक्त लोग भी पता नहीं, महाप्रभु का अंतरंग पार्षद थे जैसे भगवान पंडित, वो लोग बोल रहे थे बार बार ये पंडित इतना श्लोक सुंदर श्लोक लिखे अब क्यों महाप्रभु को नहीं दिखा रहे, जब बार 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 उनको पूछ के तो स्वरूप दामोदर बोले दो उसको देखता हूं, देख लिए तब तो। अरे तुम सर्वनाश किए हो, चैतन्य महाप्रभु को अचल ब्रह्म बोले, सचल ब्रह्म बोले, और जगन्नाथ जी को अचल ब्रह्म बोले, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में अंतर क्या है क्या बोल रहे हैं कि आप भी अचल ब्रह्म है, अभी सचल ब्रह्म को
सचल ब्रह्म का भीतर आप ही है अभी, ऐसा अंतर अंतर दिखा रहे। इसका मतलब विग्रह और चैतन्य महाप्रभु अलग है, जगन्नाथ जी का जो डेटीज है वो चैतन्य महाप्रभु अलग है, लेकिन इसका ज्ञान में माया है। बोले क्या बोल रहे हैं, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। नाम रूप विग्रह तीन चिदानंदमय, शुद्ध वैष्णव जहां विग्रह प्रकट हो, आप किसको प्रार्थना करेंगे? आप वृंदावन जाते हो ना, किसको प्रार्थना करते हो बताइए? जब वृंदावन जाते हो किसको प्रार्थना करते हो? कृष्ण को ना। कौन सा कंस, कौन सा कृष्ण? एक ठाकुर जी को प्रार्थना करना पड़ेगा, एक डेटी को। कोई भी संसार में कृष्ण भक्त है किसको प्रार्थना करता है? आप किसको प्रार्थना करते हैं? मदन मोहन जी को जो वृंदावन में रहता है, श्याम सुंदर को, राधारमण को। अरे ठाकुर जी को तो पकड़ना होगा ना विग्रह को, तो अगर उनको बोलेंगे ये अचल है, एक स्थान में रहता है, उनका प्राण चैतन्य महाप्रभु है, पकड़ ज्ञान में माया है। सर्वदा निर्बल जाओ भागवत पूरा वैष्णव स्थान है, तुम्हारा ज्ञान है लेकिन प्रकट नहीं हुआ है अब तक, माया मुक्त तुम पुरुष नहीं हो, ज्ञान में माया है, जाओ भागवत पढ़ो। किसका पास? जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। भागवत भी ऐसे ही प्रकट नहीं होगा अगर चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल आप नहीं पकड़ेंगे, आश्रय नहीं करेंगे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु से भागवत क्या संबंध है बताइए? दूसरा संप्रदाय में लोग क्या भागवत नहीं पढ़ते हैं? भागवत प्रवचन नहीं? टीवी में देखिए कितना अलग संप्रदाय के लोग देते हैं। नहीं, ये भागवत प्रकट नहीं होते हैं, उनका ज्ञान के हिसाब से भागवत, पात्रता के हिसाब से भागवत प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। और भागवत क्या है? कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। आपका बात आप बोल सकते हैं, मेरा बात मैं बोल सकता हूं, आपका घर का बात आप बोल सकते हैं, दूसरा लोग कैसे बोल सकते हैं? संप्रदाय को हम सम्मान देते हैं लेकिन यह हमारा घर का बात है, आपको पता नहीं चलेगा। राधा कृष्ण हमारा घर का आदमी है, तुम राधा कृष्ण उपासना कर सकते हो। दूसरा संप्रदाय लोग करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, प्रवचन देते हैं, उनका घर का बात ये नहीं है। फैमिली बिजनेस बोलते हैं ना, हम लोग का ऐसा फैमिली बिजनेस है, ये हम लोग का फैमिली बिजनेस है, गौड़ियों का फैमिली बिजनेस है। वृंदावन किसी का घर है? आज कितने कितने संप्रदाय में लोग रहने लगे, किसका घर है? गौड़िया लोग का। चैतन्य महाप्रभु गए तो राधाकृष्ण प्रकट हुए ना, लोकनाथ गोस्वामी गए तो तीर्थ हुई बात। वृंदावन था लेकिन वृंदावन का भाव नहीं था, आज भी वृंदावन है लेकिन वृंदावन का भाव नहीं है, समझ रहे ना आप? वृंदावन में क्या हो रहा है हनुमान बताइए? ये वृंदावन के भाव नहीं। वृंदावन में अब वृंदावन में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते कि नहीं पढ़ते? दूसरा दूसरा स्त्रोत्र पढ़ते कि नहीं? देखो हमारा ये राधा कृष्ण का घर है, राधारानी का घर है ना, प्रेम वो कृष्ण को सिर्फ प्रेम करते हैं, और प्रेम का पास तुम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे? क्या ये मेरा घर में आकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ाई कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ाई कर रहे हैं, राधारानी को अच्छा लगेगी? वृंदावन है लेकिन वृंदावन का भाव नहीं है। एछे गोसाई जब ब्रजे कैलेन बास, इसका बाद राधा कृष्ण नित्य लीला। क्या नित्य लीला? वृंदावन तो नित्य धाम है, नित्य लीला करलेन प्रकाश। गोस्वामी लोग ने राधा कृष्ण लीला का जो भाव उसको प्रकाश किया, हमारा परिवार की संप्रदाय की हमारा घर की बात है, दूसरे को पता, भागवत हमारा है। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश गए, पहले शुरू किया अंग्रेज में ट्रांसलेट, विदेश जाने से पहले भागवत को ट्रांसलेट किया। वो भागवत जो भागवत प्रकट होते हैं भक्त भागवत, और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय, पहले नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, तब भक्त भागवत का स्वरूप प्रकट होता है। गुरुत्व तो क्या है? नित्यानंद प्रभु है ना। इसलिए प्रभुपाद विदेश गए, कभी गौर निताई हर टेम्पल में इंस्टॉल किए,
जब तक नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे, प्रचार करते हैं, बहुत ज्ञान भी लोगों को देते हैं, लोग हमको साधु मानते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि में थोड़ा माया रह जाता है, शुद्ध बुद्धि नहीं होता है। वो जब कृपा कर देते हैं ना, तो सख्याधारी हो गया, तब भागवत प्रकट होता है। इस तत्व है, वही पांडव लोग का पास कृष्ण रहते थे, अभी तक पता नहीं कि ये भगवान। प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोत् सजीवम दूतम सुहृदात अथ सारथ, तुमने क्या नहीं किए पांडव लोग ने, सारथी बना लिए, दूत बना लिए, दूत है थे ना कृष्ण, गए थे दुर्योधन के पास, सारथी बन गए, तू सब कुछ बना लिए प्रेम से, लेकिन तुमको पता नहीं यही काल है। उनको पता है तुम लोग को क्यों इतना दुख सहन करना पड़ा, उनको पता है, पूछ लीजिए। तब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, मैं अंतिम श्लोक बोलना चाहता हूं, ये एक सबसे अच्छा श्लोक है। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् जस जन्मे असुन संतज्य साक्षात कृष्ण दर्शन मागत। देखो कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे, ऐसा ये कैसे संभव हो सकता है, जो भगवान है वो सारथी कभी बन सकता है, जो भगवान है वो दूत कभी बन सकता है, संभव नहीं। नहीं नहीं, प्रेम बस होकर तुम लोग का पास प्रेम था, इसलिए बस होकर सब कुछ किए हैं। और देखो वो कितना प्रेमिक होता है, कैसे समदर्शी होते हैं। मेरा पास अभी आए हैं पिता विष्णु बोल रहे हैं, मैं मरने वाले हूं, शरीर छोड़ने वाले हूं, मैं अभी शरीर छोड़ दूंगा क्योंकि अभी उत्तरायण आ रहा है। तो ठाकुर जी क्यों पितामह भीष्म के पास आए थे, क्यों आए थे? तथापि एकांत भक्ते सुपस्य भूपानुकंपितम, सबे पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अब कृपा पूर्वक मेरे सम्यक आए हैं। जब मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। इस अर्थ को चक्रपाद नहीं पकड़े, प्रभुपाद जी लिखे आप पढ़ लीजिए। प्रभुपाद लिखे हैं जसोदानंदन विजय सखे, तात्पर्य में लिखे हैं। ये तो साक्षात अर्थ होता है कि मैं एकांत भक्त हूं। पितामह भीष्म कैसे, सब मुनि ऋषि लोग हैं, पांडव लोग हैं, कृष्ण के सामने में बोल सकता है कि मैं एकांत भक्त हूं? हम लोग को अभी नहीं बोलते कि मैं एकांत भक्त हूं, अनन्य भक्त हूं, पितामह भीष्म कैसे बोल सके बताइए? मैं अनन्य भक्त नहीं हूं, ये पांडव लोग अनन्य भक्त है, मैं पांडव लोग को प्रेम करता हूं इसीलिए आप मेरे पास आए। पश्य भूपानुकंपितम युधिष्ठिर, तुम देख लो उनका अनुकंपा क्या है। अनुकंपितस्य अनुकंपा पश्यः, तुम अनुकंपा का पात्र हो, तुम पा लिए हो कृपा, और मुझे क्यों कृपा मिल रहा है? मैं तुम लोग को प्रेम करता, अर्जुन को प्रेम करता, इसलिए मुझे कृपा मिल रहा, इसलिए मेरा साक्षात कृष्ण दर्शन में आगत, मेरा शरीर छोड़ने के टाइम में साक्षात आ गए। समझ रहे तात्पर्य क्या है? पढ़ लीजिए प्रभुपाद का तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य। इसमें प्रभुपाद लिखे हैं कहां, हाँ इधर देख लीजिए। भीष्म जी की मृत्यु की सया के निकट भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनकी अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उसके की ममेरा भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका ऐसे कोई संबंध नहीं था। अतः आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी क्योंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होते हैं, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या जसोदा का पुत्र कहला जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो अधिक प्रसन्न होते हैं। ये जो पार्थ सारथी जसोदा नंदन पूर्वज लिखे हैं ना, ये संबंध कृपा इसको बोलते हैं। तो लगता है कि तो ये अनन्य भक्त है, वो बोल रहे हैं मैं अनन्य भक्त हूं, लेकिन तात्पर्य में टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती यही बोल रहे हैं, मैं अनन्य भक्त नहीं हूं,
भक्त संबंध से आप मुझे कृपा कर रहे हैं। ठाकुर खुश होते हैं, जैसे सदानंदन बोलते हैं, राधानाथ बोलते हैं, तो खुश होते हैं। इसको संबंध कृपा बोलते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यही है। तो हम जो दिखा लेते हैं ना, किसी लिए दिखा लेते हैं बताइए? आप सोच रहे कि हम भजन करके कृष्ण प्राप्ति कर लेंगे, ये सिद्धांत नहीं है। कृष्ण किसी को साक्षात कृपा नहीं करते, बार बार ये प्रसंग चक्रवात दोहरा रहे हैं। साक्षात कृपा समझ रहे हैं ना, आपको डायरेक्ट कृपा नहीं करेंगे, मुक्ति दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे, प्रेम भक्ति नहीं देंगे। कैसे देंगे? संबंध से। आप किसका हो? आप अगर उनका शुद्ध भक्त का हो तब तो कृपा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बोले शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, इसलिए बोले जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद। हम सोचेंगे नहीं नहीं मैं भजन करूंगा, मैं कहां भी रहूंगा भजन करके। भाई तुम कहां भी रहो, तुम किसका हो पहले सोचो, तुम किसका हो? गुरु का हो तो तब तो तुम्हारा भजन कृष्ण का पास जाएगा, नहीं तो बीच में अटक जाता है। हम लोग का भजन बीच में अटक जाता है, हम लोग का सेवा बीच में अटक गया, ये कारण। और हम खुलम खुला बोलेंगे तो हमारा सेवा नहीं पहुंच रहा है कृष्ण का पास, इसलिए हमारा भलाई नहीं हो रहा है, हमारा चेतना कृष्ण जितना नहीं हो रहा है, बीच में अटक जाता है। क्यों बीच में अटक जाता है? इसकी वजह से हम अब तक सोच रहे कि मैं कृष्ण आपका हूं, नहीं हम कृष्ण का नहीं है अभी तक, हम गुरु जी का है। पहले आपको पता है ना, आप बीजेपी से क्या बोले, बीजेपी है इधर कौन सा गवर्नमेंट है, बीजेपी है कांग्रेस है। पार्टी में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप खुद बोलेंगे झंडा उड़ाकर मैं बीजेपी आदमी हूं, नहीं नहीं बीजेपी का आदमी जो है ना उनका पास चले जाओ भाई, वो अनाउंस करेंगे ये हमारा पार्टी में ज्वाइन किए हैं। इसका बाद मोदी का साथ तुम्हारा दर्शन होगा कि नहीं ये तो अलग बात है। अरे पहले ज्वाइन करो, कैंप में ज्वाइन करो। अभी हमारा कैंप में ज्वाइन भी नहीं हुआ है, सिर्फ हल्ला गुल्ला करते मैं इस पार्टी का हूं, यही हमारा हालत है और कुछ नहीं है। ये तो प्रॉब्लम यही है, संबंध कृपा है। इसीलिए हम जन्मे जन्मे प्रभु से ही बोलते हैं। कितना दुख आता है जीवन में, कितना कुछ भी होता है, कितना परेशानी उठाना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए मैं कैसे एक शुद्ध भक्त का बन जाऊं। तो आप लोग को मेरा प्रार्थना है, आप सब मिलजुल कर सेवा कीजिए। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान महाराज श्री ने बनाए हैं। अभी हम लोग को ये सुजग है, गुरु कभी नहीं जाते हैं, गुरु जी चले जाते हैं, इनका कृपा दृष्टि हर समय वर्षण करते। हमारा गुरु जी कहा करते थे, गुरु जी ऊपर देखते थे कि मेरा शिष्य लोग क्या कर रहे हैं, हमारे दृष्टि वो चले गए लेकिन कृपा दृष्टि हम पर रहे। कृपा दृष्टि समझ रहे हैं ना, कृपा दृष्टि। वो कृपा दृष्टि कब वर्षित होता है? जब उनका श्री विग्रह, उनका जो मिशन है, इसमें हम जुड़ जाते हैं। श्री चैतन्य मनोभिष्टम, अभी तक देख लीजिए हम प्रभु गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु का जो मनोभिष्ट था उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास किए थे। श्री गुरु मनोभिष्टम, जो गुरु जी का मनोभिष्ट था पूर्ण करने के लिए कोशिश करें, वो लोग कृपा दृष्टि प्राप्त करें। तो आप लोग सब बहुत उदार, अभी क्या बोले, यूनाइट स्पिरिट, मिलजुल कर चलना है आगे। छोटा छोटा बात पर ध्यान नहीं देना है, इतना बड़ा अनुष्ठान है, हम लोग को आगे बढ़ाना है। प्रीचिंग भी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो मेरा प्रार्थना है आप सब लोग मिलजुल कर महाराज श्री का सेवा कीजिए, छोटा छोटा बात पर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ना है बहुत। और मैं महाराज श्री का चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के चरण कमल में महाराज ने मुझे बुलाए हैं। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि महाराज के सामने कुछ बोलने के लिए, मैं जूनियर हूँ। मैं जब ब्रह्मचारी था, महाराज तब तो टेम्पल प्रेसिडेंट थे कलकत्ता में। और आप लोग का आशीर्वाद मेरा पर रहे, जैसे मैं बार बार महाराज जी का सेवा, प्रभुपाद जी के भक्त लोग की सेवा
और आप लोग की सेवा, ये सेवा मैं सेवा सोचता हूँ, मैं पिचिंग उपदेश नहीं दे रहा, आप लोग का कृपा मिल जाएगा तो प्रभुपाद जी गुरु जी खुश हो जाएंगे, तो आप लोग मिलजुल कर सेवा कीजिए, मुझे भी कृपा कीजिए जैसे प्रभुपाद जी की सेवा और मेरा शुद्ध चेतना गुरु और कृष्ण के चरण कमल में रहे, यही मेरा प्रार्थना है। और मेरा ये प्रार्थना भी है आप लोग, क्योंकि मैं सुना हूं महाराज श्री से, महाराज जब भी भुवनेश्वर जाते हैं कहां भी जाते हैं ना, महाराज इतना सुंदर भाव से बोलते हैं कि भक्त लोग कैसे मिलजुल कर प्रभुपाद जी का मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो मैसेज प्रभुपाद श्री मुख से, महाराज श्री मुख से निकला है ना, इधर से ही महाराज का बेस्ट था ना, हम लोग को ये मैसेज देना है अभी, इसलिए बहुत जरूरत है अभी मिलजुल कर काम करना। गुरु जाने का बाद लड़के लोग क्या करते हैं, जब पिताजी रहते हैं ना वो थोड़ा केयरलेस रहते हैं, इतना जिम्मेदारी ले लेते हैं, पिताजी चले जाने के बाद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हम लोग का पर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोग सब मंदिर में आइए, सेवा पकड़ लीजिए, सेवा मत छोड़िए, कुछ भी सेवा हो, सेवा के माध्यम से गुरु जी का स्मरण होता है, गुरु कृपा मिलता है। हमारा गुरुदेव हमको सिखाए, तुम जब सेवा छोड़ देते तो तुम्हारा मरण हो गया, गुरु सेवा छोड़ दिया मतलब तुम मर गए, कृपा नहीं मिलेगा। इतना बड़ा सेवा ठाकुर जी है, कितना कितना बड़ा अनुष्ठान है, आप लोग सेवा कीजिए, मिलजुल कर सो रहिए, यही मेरा प्रार्थना है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पूज्यपाद भक्तिचारू स्वामी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। क्या बोलना Hare Krishna, we are very fortunate because for the last few days we have been hearing the Nectarian Krishna Katha from His Holiness Haladhar Swami Maharaj, a very experienced and realized soul. No doubt. There are many educated persons of the world, but very few are well cultured. It's my confidence that out of all the well cultured persons, Maharaj is one. There are many knowledgeable persons, but very few are realized. Out of all the realized person, Maharaj is undoubtedly a very realized Gaudiya Vaishnava. There are many symptoms of that, and you have also noticed it from his lecture. For each and every single point, Maharaj is giving us the understanding with different points of view from different angle. Topic is same, point is same, but his realization is just he was showering to us, upon us, with many examples, with many analogies. It is only possible for a person who is realized. And not a single word and sentence was his speculation. It is everything from the scriptures. Right time, right point, relevantly he was presenting everything. And I am sure that you all have been enlightened with his presence. I am very much impressed by the presence and his divine association. Actually, we are very much fortunate in the presence of His Holiness Bhakti Prem Maharaj and His Holiness Haladhar Swami Maharaj. We are spending our time for the last few days. Maharaj,
वी आर नॉट परफेक्टली सिचुएटेड, वी आर वेरी जूनियर एंड वी डू नॉट हैव एनी रियलाइजेशंस, वी डू नॉट नो हाउ टू टेक केयर एंड ऑनर अ वेरी रियलाइज्ड सोल लाइक यू महाराज. आई एम श्योर दैट वी हैव मेनी मिस्टेक्स. So knowingly or unknowingly, Maharaj, if we commit any mistakes, please forgive us and keep continuing showering your blessings by speaking to us, by presenting all the realizations of your heart. I would like to express my heartfelt gratitude to you and request you please, as soon as possible, make plan and come again. How many of you like the next visit of Maharaj very soon? Yes, Maharaj. Please, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगी, इतना बहुमूल्य समय दिया. वैसे महाराज ज्यादा अभी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल के कृपा करके आए. और हम महाराज से आशीर्वाद चाहेंगे कि उनका जो परंपरा और गुरुदेव के प्रति जो शरणागति है, हमारा भी अपनी परंपरा और गुरुदेव के प्रति शरणागति आए. इसके साथ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे और 1 बजे महाराज यहाँ से प्रस्थान करेंगे भोपाल के लिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.